जोकर फॉली डू की शुरुआत होती है, आतर यानी जोकर को वो कोर्ट लेकर जा रहे हैं, जहां पर उसका ट्रायल यानी केस की हियरिंग शुरू होगी और ये केस उसने जो मर्डर्स किए थे पार्ट वन में उसके ऊपर होने वाला है। और कार के रेडियो में हम एक वॉइस ओवर सुनते हैं और वो आदमी है हार्वी डेंट, जो कि बोल रहा है कि आतर एक मॉन्स्टर है, मार्टर नहीं। और हार्वी डेंट को प्ले कर रहा है एक्टर हैरी लाटे, और हार्ली एंड जोकर की वजह से वो टू फेस भी बन सकता है। और फिर हार्ली क्विन बोलती है कि जब मैंने पहली बार जोकर को देखा तब पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। और हम एक टीवी शॉप के बाहर हार्ली को देखते हैं, जो कि आतर का एक इंटरव्यू सुन रही है और वो एक फ्लाइंग किस देता है कैमरे में, और हार्ली फिर उस शॉप के ग्लास को तोड़ देती है और एक छोटा टीवी लेकर चली जाती है। ट्रेलर से हमको एक क्लियर आइडिया मिलता है कि हार्ली एक म्यूजिक थेरेपिस्ट या डॉक्टर हो सकती है आर्कम असाइलम में, जहां पर जोकर को रखा गया है, या फिर हार्ली ने आर्कम को ज्वाइन किया वो इंटरव्यू देखने के बाद, या फिर वो इंटरव्यू हार्ली से मिलने के बाद और उसके प्यार में पड़ने के बाद भी हो सकता है। और हार्ली एक म्यूजिक थेरेपिस्ट इसलिए हो सकती है क्योंकि वो फ्रीली आराम से आर्कम असाइलम में कहीं पे भी जा सकती है और जोकर से कभी भी मिल सकती है। और फिर हार्ली एक पियानो को जला देती है असाइलम में, जब सब लोग उस रूम में एक फिल्म प्रोजेक्टर पे मूवी देख रहे होते हैं, और वो एक एस्केप प्लान होता है जोकर एंड हार्ली का। और हम देखते हैं कि कैसे वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट पे ही उनको पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि इस सीन में हम उनके पीछे गार्ड्स को देखते हैं और मीडिया गेट के सामने है और उस फायर के बारे में वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और फिर उस प्रोजेक्टर रूम में हम हार्ली एंड जोकर को देखते हैं और जोकर के साइड पे फायर है और हार्ली के साइड पे कूलनेस है, और ये एक मेटाफर है उन दोनों के लिए। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर फिल्म के एंड में ये दोनों अपनी जगह बदल दे इस मेटाफोर को कंप्लीट करने के लिए। फिर हम जोकर के कोर्ट सीन्स देखते हैं, जहां पर वो खुद अपना केस लड़ रहा है और हार्ली उसको बोलती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि तुम जोकर हो। और इस पूरे ट्रेलर में हार्ली ने जोकर को उसके असली नाम से एक बार भी नहीं बुलाया और बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने आतर को जोकर करके नहीं बुलाया। और मुझे ऐसा लगता है कि हार्ली को आतर से ज्यादा उसके जोकर पर्सनालिटी से प्यार हो गया है और वो आतर को मैनिपुलेट कर रही है और बोल रही है कि अपने अंदर के जोकर को और बाहर निकालो, क्योंकि फर्स्ट टीजर के एंड में हार्ली आतर से बोलती है कि आई वॉन्ट टू सी द रियल यू, और वो अपने लिपस्टिक से जोकर की स्माइल बनाती है, और इससे ये क्लियर है कि वो जोकर के क्रेजीनेस से अट्रैक्टेड है और वो चाहती है कि आतर हमेशा के लिए जोकर बना रहे। इसके बारे में और आगे बात करेंगे। और फिर आतर को कोर्ट का दिन खत्म होने के बाद वापस आर्कम असाइलम लेकर आते हैं और उसके फेस से वो पेंट जबरदस्ती निकालते हैं। और फिर हार्ली एक टेबल पे बैठी है और उसके पीछे दो लॉयर्स है और एक लॉयर मरा पड़ा है, और हार्ली उसके खून से एक जोकर स्माइली फेस बनाती है। और ये सब कोर्ट के अंदर हो रहा है, लेकिन आसपास कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। वो दो लॉयर्स भी स्ट्रेट सामने देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये एक इमेजिनेशन, ड्रीम या फैंटेसी हो सकती है इन दोनों की, या फिर सिर्फ जोकर की। और मेजॉरिटी ऑफ द डांस एंड म्यूजिकल सीन्स एक फैंटेसी / इमेजिनेशन हो सकते हैं, या फिर ये सच में हो रहा है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन एक म्यूजिकल वे में हमको दिखाया जा रहा है। और फिर जोकर का कोट इयररिंग को लाइव टीवी पे दिखाया जा रहा है और इस मोमेंट पे उसने अपने जोकर पर्सनालिटी को कोर्ट के सामने लाया है। लगता है हार्ली के कहने के बाद ही उसने ये किया होगा, और जोकर के मास्क के पीछे वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आता है। और फिर ये हार्ली का शॉट सेम टू सेम पैरेलल है जोकर पार्ट वन के शॉट से। और फिर कोर्ट में एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और ये ब्लास्ट शायद से हार्ली या फिर जोकर के सपोर्टर्स ने किया होगा। और उस ब्लास्ट के बाद जोकर पूरी तरीके से शॉक हो गया है और लगता है कि आर्थर को ये रियलाइज हो रहा है कि वो क्या गलती कर रहा है और किसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है। और फिर उसके सपोर्टर्स उसका पीछा करते हैं और फिर उसके फैंटेसी कोर्ट रूम में जोकर जज को मार देता है, लेकिन वहां साइड में बैठा हुआ पुलिस ऑफिसर
कुछ भी नहीं करता है, अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और जज भी अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता है। इससे ये कंफर्म होता है कि एक म्यूजिकल एंड इमेजिनेशन सीन हो सकता है। और फिर हम जोकर एंड हार्ली क्विन शो देखते हैं और अब ये बोलना काफी मुश्किल है कि ये रियलिटी में हो रहा है या फिर ये इनकी इमेजिनेशन है, क्योंकि जोकर वन से आतर को एक शो पे आना था और होस्ट करना था और फिर एक म्यूजिकल / डांस सीन आता है जो कि कोर्ट के बाहर हो रहा है और जोकर एंड हार्ली सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि जोकर को फ्री कर दिया गया है फ्रॉम ऑल द चार्जेस और कोर्ट उसको कोई सजा नहीं देने वाला है, ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। अब मुझे डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक म्यूजिकल सीन है, तो क्या सच में कोर्ट ने उसको फ्री कर दिया है या फिर वो ये सब दिमाग में सोच रहा है। आतर ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था इस असाइलम के लाइफ में, यानी काइंड ऑफ अ नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दिया था और बेटर हो रहा था, लेकिन हार्ली ने आकर उसके अंदर के जोकर को वापस जगा दिया और हार्ली फैसिनेटेड है उसके जोकर के इमेज से जिसको उसने टीवी में देखा और आंखों के सामने देखा था। और आतर फाइनली किसी से तो कनेक्ट कर पाया है और उसको अपनी जिंदगी में रखने के लिए उसको और भी ज्यादा क्रेजी होना होगा अपने जोकर के आइडेंटिटी में, और वो इस प्यार को खोना नहीं चाहता है इसलिए वो कुछ भी करेगा जो हार्ली चाहती है। और हार्ली के दिमाग में पहले से ही कुछ बड़े प्लान्स होंगे और वो खुद को दिलासा दे रहा होगा कि यही उसको चाहिए था जिंदगी में, और उसके साथ केओटिक हो जाएगा और अपने फ्रीकनेस को और भी ज्यादा एम्ब्रेस करेगा और वो एक मोमेंट पे चेंज होने की कोशिश तो करेगा, लेकिन हार्ली उसको फिर से मैनिपुलेट करेगी या फिर वो खुद ये रास्ता चूज करेगा और अपने ड्यूअल आइडेंटिटी के साथ स्ट्रगल करेगा पूरे फिल्म में। और एंड में वो यही बोलेगा कि आपको जो चाहिए वही मैं आपको दिखाऊंगा, द क्रेजिएस्ट लव स्टोरी ऑफ जोकर एंड हार्ली क्विन। तो आपको ये ट्रेलर ब्रेकडाउन कैसा लगा और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है और आपकी क्या थ्योरीज है हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, और यहाँ पे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।